वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बहुत झटपट सी बन जाने वाली सब्जी बनाएंगे, लौकी आलू स्टू। इसे आप पराठे या फुलके के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसे बनाने में। इतनी जल्दी बन जाने वाली ये सब्जी की रेसिपी आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लौकी लिया है, इसे झारखंड और बिहार में कद्दू भी बोलते हैं। 3 आलू लिए हैं जिसके छिलके मैंने उतार लिए हैं, और साथ ही 4 लंबे कटे प्याज। लौकी के स्टू के लिए एक बात का ध्यान रखें, लौकी और आलू को बड़े साइज में ही कट करें। अब इन तीनों को हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। लौकी के स्टू में हमेशा प्याज ज़्यादा डालें, इससे सब्जी में बहुत टेस्ट आता है। अब कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, 10 से 12 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 2 छोटी हरी इलायची, 3 सूखे लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते। अब कुछ मसाले डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। हम यहाँ पे कच्चा मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, इसे ज़्यादा नहीं डालें वरना सब्जी में कड़वापन आ सकता है। एक स्पून की मदद से इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है इससे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसे गैस पर रख के ढक्कन लगा लेंगे और हाई फ्लेम पर इसे सीटी आने तक इसे कुक कर लेंगे। जैसे ही लगे कि प्रेशर कुकर की सीटी निकलने वाली है, वैसे ही आप सीटी को थोड़ा सा प्रेस करें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। 3 से 4 मिनट इसे अब रेस्ट करने दें। 4 मिनट हो गए हैं, प्रेशर कुकर से सारे गैस निकल चुके हैं। वाओ, सब्जी हमारी तैयार है। ये देखिए आलू और लौकी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। सारे मसालों की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। झटपट बनने वाला स्टू हमारा रेडी है। एक बार बना कर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अगर आपको मेरी ये झटपट रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।